सब्सक्राइब करें एग्रीकल्चर नॉलेज गोदारा चैनल को और बेल आइकन दबाएं, खेतीबाड़ी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखें। नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं एमएल गोदरा। एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज हम मूंगफली में सबसे बेस्ट 3 खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। वो तीनों दवाओं के बारे में अलग अलग विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे आप देख सकते हो, इसमें हर प्रकार के खरपतवार निकला हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो आप कोई भी खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हो एक स्प्रे में। अगर आपको मतलब जल्दी से खरपतवार नष्ट करना है तो वो भी दवाई आती है, अगर आपको धीरे धीरे खरपतवार जो है नष्ट करना है वो भी दवाई आती है। आपको किस तरह से स्प्रे करके आपको खरपतवार नष्ट करना है वो आगे मैं बताने की कोशिश करूंगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, जब मूंगफली छोटी होती है तो उसमें आप किसी उपकरण या मशीन के द्वारा जो खोद के आप खरपतवार निकालते हो, तो इस अवस्था में जब मूंगफली होती है तो इस अवस्था में आप खोद के कभी भी खरपतवार ना निकालें, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मूंगफली के जो दाने हैं वो अभी लगने शुरू हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मूंगफली के दाने अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जब भी आप खोद के खरपतवार निकालने की कोशिश करते हैं तो इसमें जो मूंगफली के दाने हैं वो जो लगने वाले हैं वो उखड़ के बाहर आ जाएंगे और सीधा असर आपके पैदावार पे पड़ेगा। तो इसलिए आप खासकर ध्यान रखें कि इस अवस्था में आप खोद के खरपतवार ना निकालें। इससे अच्छा है कि आप स्प्रे करके खरपतवार जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं बिना वक्त गंवाए आपको बता देता हूँ वो कौन सी 3 दवा है जो आप खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। और किसान साथियों, आपके यहाँ बारिश का मौसम है, बारिश होने वाली है, तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है बहुत ही फास्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरिस कंपनी की, उसके बाद में बात करेंगे सेल्वाटोर की, और उसके बाद में हम BASF कंपनी की ओडिसी के बारे में बात करने वाले। तीनों को अलग अलग दवाई के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये है आयरिस, इसका रिजल्ट है जो बहुत फास्ट है। मतलब आपने स्प्रे किया और तुरंत ही लगभग 3 से 4 घंटों में खरपतवार नष्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें क्वांटिटी की बात करें तो इसमें सोडियम एसीफ्लोरोफेन 16.5% प्लस इसमें क्लोनिडा फॉप प्रोपाइजाइल जो 8% आता है, ये खरपतवार नाशक आप यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। और दूसरे नंबर पर हम दोस्तों बात करते हैं सेल्वाटोर की, इसका रिजल्ट भी काफ़ी तेज़ है जो लगभग 5 से 7 घंटों में असर दिखाना शुरू कर देता है। इसमें आप क्वांटिटी की बात करें तो इसमें फेमासाफेन 11.1% और फ्लुएजाफॉप पी ब्यूटाइल 11.1% आता है। तो किसान साथियों, ये आप भी आप मूंगफली में यूज़ कर सकते हो। ये भी जो है इसका रिजल्ट है वो अच्छा है और लगभग 5 से 7 घंटों में इसका असर दिखाना शुरू कर देता है। और दोस्तों, लास्ट में हम बात करते हैं BASF कंपनी की ओडिसी के बारे में। तो ओडिसी में दोस्तों ये 2 प्रकार की दवा आती है जो आपको मिक्स करके स्प्रे करना होता है। सबसे पहले ये ओडिसी BASF की, इसमें क्वांटिटी की बात करें तो इमेजाथाइपिर 35% प्लस इमाजाक्सा 35% WG में आता है इसको, और इस दूसरे वाले इसको, दोनों को आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। ये है आउटराइट। आउटराइट का उपयोग एडवुजे की भांति निर्धारित खरपतवारों पर दवा को एक समान रूप से फैलाने, चिपकाने और भीतर तक प्रवेश कराने के लिए आउटराइट का इस्तेमाल जो है आप इमेजाथाइपर, इमाजाक्समाक्स और WG टोपरमिजोन आदि में साथ में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।